हेलो बच्चों, आवाज़ जा रही होगी। आज हम लोग रिवॉल्यूशन, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, इस पे बात करेंगे। कुछ बच्चों का क्वेश्चन था, शॉर्ट में देख लेते हैं इसको। ओके बच्चों, आवाज़ जा रही होगी। इसमें पहला देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके लिए होता है? इसमें आप देखेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में नाम से ही लगता है, ग्रीन क्लोरोफिल से रिलेटेड है। ग्रीन क्लोरोफिल होता है तो क्या काम करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, फूड मेकिंग करता है, ग्लूकोज बनाता है। उसी से आप याद करेंगे कि ग्रीन पौधे होते हैं और क्या करते हैं, ये रिलेटेड किससे है? फॉर प्रोडक्शन। ये कंपटीशन में भी आता है, ऐसे भी आता है, प्रोडक्शन ऑफ इनफ फूड। क्या हो जाएगा? फूड फॉर ऑल। अंडरस्टैंड बच्चों, इनफ फूड फॉर ऑल। अब इसमें देखेंगे स्पेशली किसके लिए बात हो रही है। स्पेशली व्हीट एंड राइस। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके बाद आता है व्हाइट रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन आप अब समझ गए होंगे, थोड़ा सा सोचेंगे समझ में आ जाएगा। व्हाइट मिल्क, तो मिल्क व्हाइट होता है तो उससे तुरंत याद हो जाएगा फॉर प्रोडक्शन ऑफ, क्या हो जाएगा? मिल्क फॉरन हो गया, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं सिल्वर, सिल्वर रिवॉल्यूशन। इसमें आप देखेंगे सिल्वर दूर से देखेंगे एक को तो सिल्वर ही दिखता है, व्हाइट इज सिल्वर, तो फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग। समझ में आ गया बच्चों, एग एंड पोल्ट्री हो जाएगा, इसी संबंधित है। एक ज़्यादा होगा तो पोल्ट्री का ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे आप पोल्ट्री फार्म पे देखते हैं तो वहाँ एक प्रोडक्शन हो रहा है, फिर लास्ट में उनका पोल्ट्री प्रोडक्ट मीट के लिए यूज हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है ब्लू रिवॉल्यूशन। इसमें आ जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट थोड़ा सा रहता है, बहुत लोगों का क्वेश्चन था तो मैं सोचा कि थोड़ा इस पर। ब्लू रिवॉल्यूशन ये देखेंगे आप, इसको याद करने के लिए, सी वाटर देखने से कैसा लगता है? हल्का सा ब्लूइश, रिलेटेड टू फिश। तो इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉर फिश प्रोडक्शन। तुरंत याद हो जाएगा ये। फिर इसमें नेक्स्ट आते हैं दिख रहा है, गुड। इसके बाद आते हैं येलो रिवॉल्यूशन। येलो येलो रिवो, ये भी कलर से समझ में आ जा रहा है। येलो कौन सा होता है? आप सरसों का तेल देखे होंगे, येलविश, और भी बहुत सारे ऑयल होते हैं तो थोड़ा सा येलविश कलर लिए रहते हैं, तो इसमें हो जाएगा फॉर ऑयल प्रोडक्शन। अब इसमें देखिए स्पेशली मस्टर्ड हो जाता है, मस्टर्ड एंड
एक और है यस सिसमी सीड्स, इससे भी तेल निकलता है। तो ये स्पेशली सिसमी और मस्टर्ड के लिए है। फिर नेक्स्ट आता है इसके बाद ग्रे रिवॉल्यूशन, थोड़ा सा नया है, बहुत लोग सुने नहीं होंगे। हाँ, इसमें कोई बताए इसमें क्या होता है? वूल प्रोडक्शन से संबंधित है, फॉर वूल प्रोडक्शन। एक ये हो गया, और इसके साथ साथ एन इंक्रीज इन ग्रोथ ग्रोथ ऑफ, एक तो वूल प्रोडक्शन हो गया, दूसरा क्या होता है ग्रोथ, हाँ इन यूज ऑफ हो जाएगा, इन यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना। ये फर्टिलाइजर्स समझ में आ गया होगा आपको, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद ही आया, आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर का यूज बहुत बढ़ा उस दौरान। तो ये थोड़े से कुछ इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशन थे जो अक्सर आते हैं, और ऐसे भी पेपर थ्योरेटिकल लिखते हैं, जैसे वीट का है, राइस का है, और भी बहुत सारे क्रॉप प्लांट लिखते हैं, तो उसमें भी आता है थ्योरेटिकल, और कंपटीशन में बहुत बार पूछता है ये। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? ओके, तो यहीं क्लोज करते हैं, और आप वन बाय वन इससे जो कलर है उससे ज़रूर ध्यान देंगे। येलो है तो येलो संबंधित है, ब्लू है तो ब्लू से संबंधित है, ग्रे है तो ग्रे से है, वाइट है तो वाइट से है, फिर आप देखेंगे ग्रीन है तो ग्रीन से रिलेटेड है, फिर सिल्वर है तो सिल्वर से है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इसको कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। अब समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।